पिछले बहुत सारे वीडियोस में आपको मैंने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारी जानकारी दी है। और देखो, मैं एज अ ना टीचर आपको जानकारी नहीं देता, मैं चाहता हूँ कि यार ऐसा ना बात करें कि दो भाई आपस में बात कर रहे हैं। तो मैंने कोशिश किया है कि मेरी जितने भी वीडियोस थी, पिछले कुछ बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाए हैं, और मैंने हमेशा कोशिश किया है कि यार मैं ना किसी को ऐसे सिखाऊं जैसे कि मैं किसी छोटे भाई को समझा रहा हूँ या फिर किसी दोस्त को समझा रहा हूँ कि वो कैसे डिजिटल मार्केटिंग में ग्रोथ कर सकते हैं, फिर क्या सही तरीका होगा जिससे आप डिजिटल मार्केटिंग जल्द से जल्दी सीख सकते हो, अच्छा जॉब ले सकते हो और फिर अपना बिजनेस आप क्रिएट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी 7 गलतियाँ बताऊंगा जो डिजिटल मार्केटर, जो नए डिजिटल मार्केटर रहता है ना, वो मोस्टली ये गलतियाँ करते हैं, और आप ये सारी गलतियाँ थोड़ा सा अवॉइड ही करना। हालांकि हर गलती से हर कोई कुछ ना कुछ सीखता है, मैंने अपनी गलतियों से बहुत सारी चीज़ें सीखा है, तो मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि यार गलतियां करो ही मत, बट चीजें समझ के एटलीस्ट आपको पता हो कि मैं गलतियां कर रहा हूं, और इससे अगर आप नहीं सीख रहे हो तो गलतियां करना भी बंद कर देना। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया होगा लास्ट वाला जो वर्ड मैं बोला, बट ठीक है, जैसे सब इस फील्ड में आप जाते जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। तो गलती नंबर 1 है इंस्टीट्यूट पे डिपेंड होना। अब देखो, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ना मुझे कमेंट भी किया है कि सर मैंने इंस्टीट्यूट से पढ़ा हूं, 1 साल हो गया, मैंने बहुत सारी चीजें सीखा है लेकिन मुझे ना जॉब नहीं मिल रही। तो देखो, इसके पीछे रीजन ये है कि आप ना इंस्टीट्यूट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड हो गए, क्योंकि आपको लगता है कि आप किसी बड़े से इंस्टीट्यूट में जाओगे तो आप बहुत कुछ सीखोगे, और वही अगर आप छोटे इंस्टीट्यूट से आए हो तो आप बहुत कुछ नहीं सीख पाओगे। बट ऐसा नहीं है, आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाओ या फिर छोटे इंस्टीट्यूट में, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ही मिलने वाला है और उसके साथ आपको एक सर्टिफिकेट बस मिल जाएगा। बट आपको अगर करियर बनाना है तो आपको इंस्टीट्यूट में डिपेंड नहीं होना है, जो चीज आपको इंस्टीट्यूट में सिखाया जा रहा है वो चीज आपको घर पे आके प्रैक्टिस करना है। अब उसके लिए आप खुद का प्रोजेक्ट भी बिल्ड कर सकते हो, फिर दूसरे के प्रोजेक्ट में भी आप काम कर सकते हो, एज अ हेल्प कर सकते हो, और वो भी बिल्कुल फ्री। बाकी आप अगर इंस्टीट्यूट में डिपेंड हो जाओगे तो बहुत लंबे टाइम तक आप नहीं चल पाओगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट में सिर्फ थ्योरेटिकल चीजें ही सिखाई जाती है, प्रैक्टिकल चीजें भी अगर सिखाई जाएगी तो आपको सिर्फ स्क्रीन में दिखाया जाएगा, आपके हाथ में वो प्रोजेक्ट नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए गलती नंबर 1 है कि इंस्टीट्यूट में आप डिपेंड मत होना। गलती नंबर 2 है डायरेक्ट जॉब करना। अब देखो, एक डिजिटल मार्केटर क्या करता है, सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूट से अपना जो भी कहानी है, जो भी कोर्स है वो कंप्लीट करता है, और उसके बाद सीधा वो जॉब में घुस जाता है। बट स्टार्टिंग में आपको फुल टाइम जॉब नहीं देखना है, आपको इंटर्नशिप देखना है। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि आप इंटर्नशिप करोगे तो आपके ऊपर सीनियर होगा जो कि आपको चीजें सिखाएगा, जो कि प्रैक्टिकल चीजें आपको देगा, आपको डांटेगा, आपको घिसवाएगा और आपसे काम करवाएगा, और वही से चीजें आप सीखोगे। 3 से 6 महीने का इंटर्नशिप होता है जिससे आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, और उसके बाद अपने करियर को आप बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हो, और उसके बाद आप अच्छे अच्छे जॉब ले सकते हो। वही आप जॉब के लिए चले जाओगे तो पूरी कंपनी आपके ऊपर डाल देंगे और आप भी परेशान हो जाओगे कि यार ये चीजें तो मैंने इंस्टीट्यूट में सीखा ही नहीं है, और उसके बाद आप शायद अपना करियर चेंज कर दो या फिर आपको जॉब से धकेल के बाहर निकाल दे, और उसके बाद आपको लगे कि आप डिजिटल मार्केटर अच्छे नहीं हो। लेकिन ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग में आप इंटर्नशिप करोगे तो आपकी जो लाइफ होगी वो पूरी चेंज हो जाएगी, आपका जो देखने का तरीका होगा डिजिटल मार्केटिंग करियर वो बिल्कुल अलग होगा। तो स्टार्टिंग में आप इंटर्नशिप ढूंढो, एटलीस्ट 3 महीने का एक इंटर्नशिप आप कर ही लो, क्योंकि इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिकल चीजें नहीं सिखाती, वही अगर आप इंटर्नशिप करोगे तो वहाँ पे आपको ऑफिस में प्रैक्टिकली चीजें सीखने को मिलेगी, कैसे हम कस्टमर से बात करते हैं, कैसे हम प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं, ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा। 3rd mistake है एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। अब देखो, एक डिजिटल मार्केटर को क्या लगता है कि मैं ना डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बन जाऊंगा, मतलब SEO में एक्सपर्ट बन जाऊंगा, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, गूगल एड्स, अफिलिएट मार्केटिंग और सब में मैं एक्सपर्ट बन जाऊंगा। बट ये इम्पॉसिबल है। जैसे कि मैं इंजीनियर को ही लेके चलता हूँ, अगर आप किसी से पूछोगे कि आप क्या कर रहे हो, वो बोलेगा इंजीनियरिंग। तो इंजीनियर के अंदर अलग अलग फील्ड होता है ना, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, तो ऐसे ही अलग अलग फील्ड होते हैं। वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग में अलग अलग फील्ड होता है, SEO हो गया, ठीक है, अफिलिएट मार्केटिंग हो गया, फेसबुक एड्स हो गया, यूट्यूब एड्स हो गया, गूगल एड्स हो गया, तो ऐसे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो आपको किसी एक पार्ट्स में आपको एक्सपर्ट बनना है, ना कि हर चीज में आपको एक्सपर्ट बनना है, क्योंकि हर चीज आप नहीं सीख सकते हो, हर चीज में आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते हो। तो इंस्टीट्यूट में आप ये फोकस करना कि कौन सा सेक्टर आपको पकड़ना है, कौन से सेक्टर में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि एक ऑफिस में अगर जाओगे ना तो आपसे सारा काम वो नहीं करवाएगा, अगर सारा काम करवाता है तो वो काफी छोटी कंपनी होगी जहां से आप कुछ नहीं सीख सकते। तो कोशिश करना किसी एक ही फील्ड में आप फोकस करो और उसी में आप आगे बढ़ो। गलती नंबर 4th है फोकस ऑन ऑर्गेनिक मार्केटिंग। अब देखो क्या होता है, जब आप डिजिटल मार्केटिंग करके किसी ऑफिस में जाते हो और वो आपको बोलते हैं कि आपका बजट क्या है, मतलब आपको मैं कितना पैसा दूं मार्केटिंग के लिए, तो आप स्टार्टिंग में घबराते हो कि किसी कंपनी से अगर मैं 10,000 रुपये मार्केटिंग के लिए लूंगा और उससे मैं एड्स रन करूंगा, अगर मुझे रिजल्ट नहीं मिला तो कंपनी वाले मुझे बहुत गाली देंगे, और इसीलिए आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग करते हो। बेसिकली ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या होता है, जहां पे आप बिना पैसे दिए किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को मार्केटिंग करते हो, यानी फ्री में मार्केटिंग करते हो, और फ्री में जो मार्केटिंग करते हैं उनका रिजल्ट आने में कम से कम 6 से 7 महीना लगता है। अगर कोई एक्सपर्ट है तो वो 2-3 महीने में रिजल्ट ला सकता है, लेकिन एक न्यू यानी कि बिगनर
पांच छह महीने में भी रिजल्ट नहीं ला सकता। तो स्टार्टिंग में आप कोशिश करना कि आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग ना करो, आप पेड मार्केटिंग सीखो और कंपनी के लिए आप पेड मार्केटिंग करो, जिससे बहुत जल्दी आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाए। तो स्टार्टिंग में आपको ऑर्गेनिक मार्केटिंग में फोकस नहीं करना है, आपको पेड मार्केटिंग सीखना और पेड मार्केटिंग आपको करना पड़ेगा। गलती नंबर 5 है अपना ब्रांड नहीं बनाना। देखो एक डिजिटल मार्केटर क्या करता है, कोई कंपनी में जाता है और जाके वहां पे जॉब करता है और धीरे धीरे देखते देखते 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे ही बीत जाता है और उसको लगता है यार मेरी ना सैलरी नहीं बढ़ रही है। और इसके पीछे रीजन ये होता है कि आप खुद का कोई ब्रांड नहीं बनाते हो। खुद का ब्रांड इन द सेंस क्या होता है, यानी आप अपने लिए एक यूट्यूब चैनल बना दो, वहां पे आप डिजिटल मार्केटिंग सिखाओ या फिर प्रोजेक्ट में काम कैसे करते हैं, SEO क्या होता है, ये सारी चीज आप शेयर करो, जिससे बहुत सारे लोग आपको फॉलो करेंगे। धीरे से अपनी वेबसाइट बना लो, वहां पे भी ट्रैफिक लाओ और ऐसे अपने एक पोर्टफोलियो अपने ब्रांड बनाओ। क्योंकि देखो जब आपका ब्रांड बनेगा ना तो आपकी कीमत बढ़ जाएगी। आप जब नई कंपनी में जाओगे वहां पे जाके इंटरव्यू दोगे और इंटरव्यू में जाके आप एग्जैक्ट रिजल्ट दिखाओगे कि आप खुद के ब्रांड के लिए क्या किए हो। आपका खुद का यूट्यूब चैनल आप दिखा देना कि यार मैंने यूट्यूब चैनल में इतना ज्यादा ग्रोथ किया है, ये मेरा वेबसाइट है, ये मेरे कोर्सेस है और ये सारी चीजें मैं सेल करता हूं। जब उनको प्रैक्टिकली रिजल्ट दिखेगा तो वो आपके ऊपर दाव लगाएंगे। यानी अगर 100 लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं 100 भी छोड़ो, अगर 40 लोग भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो 40 लोगों से आप अलग हटके दिखोगे। क्योंकि 40 लोग पर्सनल ब्रांड नहीं बनाएंगे और आपका पर्सनल ब्रांड रहेगा तो वो आपको अलग से दिखेंगे, एज अ सेलिब्रिटी वो आपको ट्रीट करेंगे और वहां से आपको जॉब मिलने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये चीजें प्रैक्टिकली मैंने अपने लाइफ में यूज किया है और जिसके कारण मैं आज तक कोई भी इंटरव्यू में फेल नहीं हुआ। तो ये चीजें आपको यूज करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको लिंक्डइन में अपने रिज्यूम में आपको मेंशन करना है कि मेरी खुद की इतनी ज्यादा कम्युनिटी है जो कि मैं आपके बिजनेस के लिए भी कर सकता हूं। तो गलती नंबर 5 है कि अपना ब्रांड आप नहीं बनाते हो, तो अपना ब्रांड भी आप धीरे धीरे क्रिएट करना, जो कि 6-7 महीने में आराम से हो जाता है। गलती नंबर 6 है स्टॉप लर्निंग। क्या होता है, एक टाइम के बाद ना डिजिटल मार्केटर नई चीजें सीखना बंद कर देता है, उनको लगता है कि यार मुझे ना सब आ चुका है। बट देखो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में क्या होता है, हर 2 महीना 4 महीना 6 महीने में डैशबोर्ड चेंज होता है, नई नई मार्केटिंग ट्रिक्स आती है। जैसे कि मैं जब डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा था तब रील्स नहीं था, ठीक है शॉर्ट्स नहीं था, लेकिन आज के टाइम रील्स और शॉर्ट्स दोनों है। तो मुझे सीखना पड़ा ना कि कैसे रील्स के एड्स रन करते हैं, रील्स में किस टाइप के एड में सबसे ज्यादा एंगेजमेंट मिलता है, फिर शॉर्ट्स में कैसे एड्स रन करते हैं, क्या शॉर्ट्स के एड में रिजल्ट आता है, अगर आता है तो कौन कौन से फील्ड में यानी कौन कौन से इंडस्ट्री में हमको रिजल्ट मिल सकता है। ये चीजें मैंने टाइम टू टाइम सीखा है, जो कि स्टार्टिंग में जब मैं डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट किया था तो मैं सीखना बंद कर दिया था और जिसके कारण मुझे काफी ज्यादा समस्या हुई। तो इसलिए जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग करो और आपको लगे कि आप बहुत कुछ सीख चुके हो तो आप स्टॉप मत हो, उसके बाद भी चीजें आप पढ़ते रहो, जिससे आप बाकी डिजिटल मार्केटर से अलग दिखोगे और नई नई नॉलेज आपको मिलेगी, जिससे आप डिजिटल मार्केटिंग में सबसे अलग दिखोगे और ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आप दे पाओगे। गलती नंबर 7 जो कि पर्सनली मुझे लगता है कि बहुत लोग करते हैं, वो है जॉब स्विच ना करना। देखो क्या होता है, एक टाइम के बाद मान के चलो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और वहीं पर आप 6 महीने बिता दिए, 1 साल 1.5 साल 2 साल बिता दिए और उसके बाद ना आप एक कंफर्ट में चले जाते हो, आपको लगता है कि नहीं यार सब तो सही चल रहा है, क्यों मैं जॉब स्विच करूं। लेकिन जब आप जॉब स्विच करोगे तो नई नई समस्या आपको दिखेगी, जहां से आप नई नई चीजें सीखोगे। क्या होता है, मान के चलो आप कोई मसाला के कंपनी में काम कर रहे हो, फिर कोई मेकअप वाले कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, वहां पे सेम प्रोडक्ट है, सेम ऑडियंस को आप 1 साल से बेच रहे हो, 1.5 साल से बेच रहे हो, तो वो आपके लिए कंफर्ट आ गया है, चीजें आप सीख चुके हो, अब बहुत स्मूथली चीजें चल रही है, जिससे आप नई चीजें नहीं सीख पा रहे हो। वही अगर आप जॉब स्विच करोगे, मान के चलो कोई कंप्यूटर शॉप में आप काम कर रहे हो, मतलब कोई ब्रांड में आप काम कर रहे हो और आपको अब कंप्यूटर सेल करना है, तो देखो कंप्यूटर का जो प्राइस है वो 80-90 हज़ार तक जाता है। वही मैं कॉस्मेटिक की बात करूं तो वो 1500-2000 में आपको मिल जाता है। तो 1500-2000 वाला जो सामान है वो बेचना बहुत ज्यादा आसान है। वही मैं बात करूं 1 लाख वाला सामान बेचना तो वो थोड़ा टफ हो जाता है। तो जब आप नई कंपनी में जाओगे तो आपको और ज्यादा स्ट्रगल दिखेगा, वहां से बहुत सारी चीजें आप सीखोगे और डेफिनेटली जब आप 1 लाख वाला सामान बेच पाओ तो धीरे धीरे 5 लाख का भी सामान बेच पाओगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि टाइम टू टाइम आप कंपनी स्विच करो। एक बार कंपनी में आप चीजें सीख गए हो तो कंपनी स्विच करके दूसरी कंपनी में जाओ, नई नई चीजें आप सीखना शुरू करो। ये चीजें आपके करियर में आपकी काफी ज्यादा मदद करने वाली है और जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा और डेफिनेटली कहीं भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो मुंह खोल के पैसा मांग पाओगे और वो भी आपको हाथ फैला के पैसा देंगे। तो ये सारे मिस्टेक्स है जो एक डिजिटल मार्केटर को नहीं करना चाहिए, हालांकि वो नया डिजिटल मार्केटर है या फिर कोई एक्सपीरियंस वाला है। ये गलती अगर करता है तो उसकी करियर जो है थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब देखो मैंने पहले ही बोला है कि मैं चाहता हूँ कि यार हम ऐसा बात करें, मतलब इस टाइप का ये चैनल हो जहाँ पे हम 1-to-1 बात करें। तो आपको अगर कोई समस्या लगता है, कुछ चीज़ें नहीं सीखनी है तो नीचे कॉमेंट में बता देना, उसके ऊपर हम फ्यूचर में डिस्कस करें। साथ ही साथ हमारी एक बिजनेस सीरीज भी चल रही है, वो हालांकि इस चैनल में नहीं चल रहा है, हमारा दूसरा चैनल है डिजी प्रकाश और इस चैनल का नाम है डिजी प्रकाश 2.0। तो वो चैनल देखना है तो लिंक मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके वो बिजनेस सीरीज वगैरह देख सकते हो। मिलेंगे हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।